नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया है। प्लेन में क्रू समेत 19 लोग सवार थे। बता दें यह प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। वही प्लेन ने त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इससे कुछ ही देर बाद करीब सुबह करीब 11 बजे यह क्रैश हो गया। प्लेन सौर्या एयरलाइंस का था। वही काठमांडू पोस्ट के मुताबिक पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हादसे में 18 लोग के जानमाल के नुकसान होने की खबर सामने आई है।